हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मजे में ही होगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज हम लाए हैं बहुत ही टेस्टी और मजेदार और चटपटे आलू, जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए हम बनाते हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं खट्टा मीठा आलू लेमन का। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आलू को बॉईल करने छोड़ेंगे। तो पहले हम कुकर में आलू दे दिया है, अभी हम क्या करेंगे, पानी दे देंगे अंदर बॉईल करने के लिए। तीन सीटी लगाएंगे हम, गैस को हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इतना सा हम दे रहे हैं नमक, और तीन सीटी बजेगा तब तक हमको रखना है इसका। हम तीन सीटी लगाएंगे, ये लगा दिया सीटी। हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, अभी क्या करेंगे, उसको हम पूरा सब छील लेंगे। उसके बाद उसका खट्टा मीठा स्वाद वाला, एकदम टेस्टी स्वाद वाला आलू बनाएंगे। तो चलिए फिर हम सब आलू को छील लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज हम आपको सिखा रहे हैं चटपटे आलू, और लेमन की खटास से बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमने एक बड़ा लेमन का जूस लिया है, इसमें हम इतना चीनी दे रहे हैं, और थोड़ा सा और देंगे, इतना और चीनी दे रहे हैं। और ये दोनों को मिला देंगे, लेमन और चीनी को हम मिला के रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, वघार करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे से आलू। आलू के लिए हमको चाहिए पहले तेल, हमें इतना तेल रखना है 30 ग्राम जितना, और गैस को हम स्टार्ट करेंगे। उसमें डालेंगे काला सरसों। ये हमारा तेल गरम होने के लिए तैयार हो गया है गरम। अभी हम डालेंगे एक चम्मच सरसों, चटकाएंगे अंदर में। के बाद डालेंगे हम ये जो आलू बॉईल किया है, उसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तो डाल देंगे हम, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, अभी थोड़ा सा दे रहे हैं, फिर जरूरत होने पर देंगे। आलू फ्राई करेंगे हम, अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर दे दिया, और आंच को हम अभी धीमा करेंगे, थोड़ा और देंगे आधा चम्मच। अब हमने जो ये लेमन और चीनी का घोल तैयार किया है उसको डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं आलू। आप सलाद का बनाना चाहो तो सलाद भी इसका बहुत ही टेस्टी लगता है, और खट्टा मीठा आप चख लोगे, कैसा आपको खट्टा चाहिए मीठा चाहिए इस हिसाब से आप दे सकते हो अंदर में। हम चख लेते हैं अपना चटनी को। थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे हम, एक चम्मच डालेंगे हम, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। ये चटनी हम पकाएंगे, अभी थोड़ा गाढ़ा होगा तब तक हमको पका लेना है। ये आलू बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आंच को हमने धीमा रखा है, और ये चटनी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब तक हम इसको पका लेंगे।
खट्टा मीठा सब टेस्ट एकदम परफेक्ट आ गया है। यह हमारी चटनी एकदम से परफेक्ट गाढ़ी होके आलू पर चढ़ चुकी है। बहुत ही टेस्टी बने आलू, नमक भी एकदम परफेक्ट है। वाओ, आप ऐसे बनाओगे ना खाते ही रह जाओगे, इतना टेस्टफुल आलू बनता है। ये हमारा आलू अब कंप्लीट हो चुका है। गैस का फ्लेम को भी हम बंद कर रहे हैं और इसको एक प्याला में हम निकाल लेंगे। प्याला में हम निकाल रहे हैं। वाओ, बहुत ही टेस्टफुल बने देखे। ये हमारे लेमन आलू बन के एकदम तैयार हो गए और खट्टे मीठे स्वाद वाले इतने टेस्टी। आप दाल चावल बनाते हो तो उसके साथ इसका सलाद बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। और ऐसे भी चटपटा आलू तो वैसे भी खाने में बहुत ही मज़ा ही है, तो आप इस तरह ज़रूर बनाओगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओके फ्रेंड्स, बाय।